अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आरबी लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल असलम। बच्चों, हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को लेके चल रहे थे, हम रूट्स तक पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, आगे कम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वो सारा कुछ पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सर्कल। सर्कल आप वैसे भी पढ़ चुके होंगे, सर्कल की आपको डेफिनेशन पता होगी। एक दफ़ा कम्प्लेक्स की रूट से इसको देखते हैं क्या है। The set of points satisfying जो इस equation को satisfy करें, the set of points of complex number satisfying this equation is called circle। अब इसमें जो z node है ना, वो क्या है? z node है आपके पास center of circle, सेंटर ऑफ सर्कल। और अगर हम बात करें आर की, तो आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। आर है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसकी बहुत अच्छे से आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम इसकी क्या बनेगी? अगर हम प्लेन लें, एक ये प्लेन ले लिया हमने, प्लेन में ही हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब आपने समझना है। बेसिकली ये जो मैंने इतनी चीज़ लिखी हुई है ना, इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली मोड है, डेट इज़ डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको ड्रा करें, डायग्राम को, डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। सपोज ही हमारे पास एक सर्कल है। अच्छा, सर्कल प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने बनाना है ताकि आपको हर चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो सपोज हमारे पास एक सर्कल है, दिस वन, लो भी अब बहुत अच्छा बन गया, ये सर्कल है। अब इस सर्कल में ना ये सेंटर ले लो, हमने सेंटर लिया यहाँ पर क्या, जेड नॉट। यहाँ पर सर्कल का सेंटर आ गया जेड नॉट, जेड नॉट, और ये आर है आपका रेडियस। अच्छा, ये सारे पॉइंट जो है ना जिनके ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट जेड हैं। अब ये सारे पे तो नहीं मैं चल सकता क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सर्कल। और ये सारे पॉइंट क्या होते हैं? सपोज ये पॉइंट है, ये जेड है, हर पॉइंट जेड है। ये जो इतना डिस्टेंस है ना, आप लोग कोई भी सपोज एक लाइन लो, आप लाइन पर एक पॉइंट लिया आपने जेड और एक ले लिया जेड नॉड, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो जेड माइनस जेड नॉड होगा, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस इतना, इन दोनों का डिफरेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जेड है। ये बाउंड्री जितनी भी है ये सारे जेड मिलकर बाउंड्री बना रहे हैं। इन जेड का डिस्टेंस जेड नॉट से आर के इक्वल है, तो ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी सर्कल की। फिर उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेकंड वन, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये तो फर्स्ट वन थी, सेकेंड वन थी आपके पास, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ओपन डिस्क। अच्छा स्टूडेंट्स, ओपन डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ये अक्सर आप लोग इसमें आगे जगह जगह ओपन और क्लोज डिस्क को यूज करोगे। तो ये क्या है, ये हम लिख लेते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग। अच्छा, ये इस इनइक्वालिटी को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे ना, उसे हम कहेंगे ओपन डिस्क। उसे हम क्या कहेंगे? ओपन डिस्क। अब इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? ये सर्कल है ना, तो सिंपल यहां पर इक्वल था और यहां पर लेस का सिंबल है। इसका मतलब है बाउंड्री शामिल नहीं है। बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? ओपन डिस्क। यानी कि हमारे पास अगर मैं ड्रा करूं, एक सर्कल ड्रा कर लें हम, यह सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इस तरह से अगर हम पॉइंट्स ले लें, ये बाउंड्री शामिल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट इसमें शामिल हैं। तो जिसमें बाउंड्री शामिल ना हो, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट सारे शामिल हों, उसे हम कहते हैं ओपन डिस्क। यानी सिर्फ सर्कल के, सर्कल में बाउंड्री होती है, लेकिन ओपन डिस्क में क्या है? ओपन में बाउंड्री शामिल नहीं है, लेकिन अंदर वाले सारे पॉइंट, देखो हमने बाउंड्री नहीं ली, अंदर वाले सारे पॉइंट क्या बनाते हैं? ओपन डिस्क। या इसको आप एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो, क्या कह सकते हो आप? पॉइंट्स
इन साइड पॉइंट्स ऑफ सर्कल, इन साइड पॉइंट्स ऑफ सर्कल, ये भी आप लोग कह सकते हो, यानी सर्कल के जो अंदर वाले इन साइड के जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ओपन डिस्क। ये क्या बनाते हैं आप लोगों के पास, ओपन डिस्क। तो ये आप लोगों के पास एक ओपन डिस्क की डेफिनेशन हो गई। फिर हम बात करेंगे क्लोज्ड डिस्क। अब देखते हैं क्लोज्ड डिस्क क्या होती है, इसको हम नाम दे देते हैं थ्री का, क्लोज्ड डिस्क। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आगे हम काफी जगहों पे इसको भी यूज करेंगे। क्लोज्ड डिस्क क्या होती है? अच्छा, इसमें और ओपन डिस्क में फर्क एक ही चीज का है सिर्फ, इसमें बाउंड्री शामिल नहीं होती। इसमें क्या होता है, बाउंड्री शामिल नहीं होती, ये खाली अंदर वाले पॉइंट हैं। लेकिन क्लोज्ड डिस्क में क्या होता है, बाउंड्री भी शामिल होती है और अंदर वाले पॉइंट भी शामिल होते हैं। यानी क्लोज्ड डिस्क कुछ इस तरह की बनेगी, सर्कल बनाना आपने, सर्कल की बाउंड्री भी शामिल है इसमें, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री भी शामिल है। ये सेंटर था ना जेड नॉड, ये भी सेंटर हो गया जेड नॉड। अब इसमें सारे के सारे अंदर वाले पॉइंट भी शामिल हैं और बाउंड्री भी शामिल है, यानी ये क्या है, एक क्लोज्ड डिस्क है जिसमें इन साइड वाले पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाउंड्री भी शामिल है। लेकिन पहले आप लोगों ने देखा था कि जो ओपन डिस्क थी वहां बाउंड्री शामिल नहीं थी, लेकिन यहाँ बाउंड्री भी शामिल है। तो इसको अगर हम लिखें तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, बाय डेफिनेशन दो ऊपर वाली चीज तो सेम रहेगी, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग, ये इनइक्वालिटी को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, यानी जेड माइनस जेड नॉड लेस और इक्वल टू आर, यानी इसमें वो सारे पॉइंट शामिल होंगे, इसमें वो सारे पॉइंट शामिल होंगे जो अंदर वाले हैं और बाउंड्री वाले भी हैं। तो ये क्लोज्ड डिस्क थी और ये आप लोगों के पास क्या है, ओपन डिस्क। तो उम्मीद आप लोगों को ये तीनों क्लियर है। अब चलते हैं हम एनुलस की तरफ के, एनुलस क्या होता है। अब हमने एनुलस के बारे में पढ़ना है, इसको भी हमने कैटेगराइज किया दो में, एक हमने पढ़ना है ओपन एनुलस और एक हमने पढ़ना है क्लोज्ड एनुलस। ओपन एनुलस क्या होता है, इसको भी हम सिंपल डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग ऐसे पॉइंट्स का सेट जो सेटिस्फाई कर रहे हो किसको, इस इन इक्वेलिटी को, ये इन इक्वेलिटी को जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो पॉइंट्स क्या बनाते हैं, ओपन एनुलस। अब इस इन इक्वेलिटी का मतलब क्या है, ये तो सिंपल आपको पता है कि जेड माइनस जेड टू सर्कल टाइप को चीज बनेगी। अब दो रेडियस है आर वन और आर टू, एनुलस एक्चुअली क्या होते हैं, आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल बनाना है छोटे वाला, एक सर्कल बनाएंगे छोटा सर्कल बनाएंगे ऐसे ये चीज, और एक आप बनाएंगे बड़ा सर्कल ये। अब यहां पर मैंने दो सर्कल बनाए हैं, अब एक सर्कल जो आर वन है ना, वो इस सर्कल का रेडियस है आर वन, ठीक है, और आर टू है इस सर्कल का रेडियस आर टू। अब ये कह रहा है कि जेड माइनस जेड नॉड, पहली बात एक चीज ये कह रहा है, दो चीजें इसमें, एक बात ये कर रहा है कि जेड माइनस जेड नॉड जो है वो ग्रेटर है आर वन से, यानी आर वन ये रेडियस इतना है तो इससे बड़ा, यानी इससे बाहर है, जो छोटा सर्कल है ना उसका रेडियस आर वन है, ये कह रहा है आर वन से बड़े वाले पॉइंट, यानी आर वन से बड़ी लेंथ कब होगी, सर्कल से बाहर। फिर इससे छोटा है आर टू, इतना इससे छोटा है, तो ये सारी चीज कहां पर बनेगी, ये सारी चीज आएगी आप लोगों के पास ये चीज, यानी दो सर्कल्स के दरमियान में जो जगह बनेगी उसे एनुलस कहते हैं, उसे आप लोग क्या कहते हो, एनुलस। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये ओपन एनुलस की बात कर रहे हैं, तो ये जो बॉल बनाएंगे ना, ये इसको ओपन बनाएंगे आप लोग, इसको क्या बनाएंगे, ओपन, ये बात याद रखनी है, इसको मिस्टेक नहीं करना क्योंकि हम यहाँ पे ओपन की बात कर रहे हैं, तो इसको आप ओपन कर लो, ये क्लोज्ड नहीं है क्योंकि बाउंड्री शामिल नहीं है, तो ये ओपन एनुलस है, इसमें सिर्फ ये हिस्सा शामिल होगा, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूं।
सिर्फ दरमियान वाला। तो इस दरमियान वाले हिस्से को आप लोग क्या नाम देते हो? एनुलस। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब होता है एक्चुअली में ये दरमियान वाला हिस्सा। तो दरमियान वाले हिस्से को हम सिर्फ कर रहे हैं। तो याद रखना आपने ये एनुलस बहुत जगहों पे आप सुनेंगे इसके बारे में। ये एक्चुअली क्या होता है, दोबारा से समझ लो, ये R1 था और ये R2 है। R1 से बड़ा और R2 से छोटा, यानी ये चीज़ दरमियान वाली एनुलस बन रही है। ये ओपन एनुलस था, अब हम देखते हैं क्लोज एनुलस क्या होता है। ठीक है, क्लोज एनुलस की तरफ चलते हैं। इसको नाम दे देते हैं फिफ्थ डेफिनेशन, क्लोज एनुलस। अब क्लोज एनुलस क्या होता है? सिंपल, यहां पर इक्वल नहीं था, यहां हम इक्वल का निशान लगाएंगे। यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग, यहां जो इनइक्वालिटी है यहां पर सिर्फ इक्वल पुट कर दो, तो आपके पास क्लोज्ड एनुलस बनेगा। यानी R1 लेस और इक्वल टू Z माइनस Z नॉट लेस और इक्वल टू R2। तो यहां बाउंड्री शामिल नहीं थी, लेकिन यहां बाउंड्री भी शामिल है। तो दो सर्कल बनाएंगे आप लोग। सर्कल कैसे बनाएंगे? एक सर्कल हमने बना लिया ये वाला, और एक सर्कल बना लिया हमने ये वाला। इसको दोबारा से बना लेते हैं जरा प्यारा सा करके। ये देखो, ये दो सर्कल बना लिए हमने। अब देखो यहां पर ये डॉटेड में है, किसमें है? डॉटेड में। लेकिन यहां डॉटेड नहीं है, बाउंड्री भी शामिल है। ये इक्वल का मतलब है बाउंड्री भी शामिल है। तो एनलस क्या होता है? दोनों सर्कल के दरमियान वाली जगह। यानी ये चीज हो गई आपकी R1, रेडियस 1। ये हो गया R2। R1 से बड़े और इक्वल, और R2 से छोटे और इक्वल। यानी यहां पर अगर हम ड्रा करें तो आपके पास कौन सा हिस्सा जो है वो ड्रा होगा? ये वाला हिस्सा। यानी ये एनुलस कहलाएगा। अब ओपन एनुलस देख लिया, क्लोज्ड एनुलस में बाउंड्री भी क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे। तो इसमें हम लोग इस सारे के सारे पोर्शन को ड्रा कर देंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट इसमें आ रहे हैं, तो इस सारे पॉइंट्स को इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही आसान इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ किसी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो मैंने ये देखो इसको ड्रा भी कर लिया। तो ये सारे का सारा हिस्सा दरमियान वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एनुलस, क्लोज्ड एनुलस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पाँच के पाँच पॉइंट क्लियर हैं। फर्दर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।